हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू ट्रेनिंग जर्सी के बारे में और साथ ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ऑल फॉरेनर प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू ट्रेनिंग जर्सी के बारे में। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने न्यू ट्रेनिंग जर्सी ISL 2023-24 के लिए न्यू ट्रेनिंग जर्सी अनाउंस कर दिया है, जिसको आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सोशल मीडिया पर न्यू ट्रेनिंग जर्सी के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आया है। और सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सारे सोशल मीडिया एप्स पोस्ट किया है। और आप लोगों को ये जर्सी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे पर्सनली ये जर्सी बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों का राय। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सारे फॉरेनर प्लेयर्स के बारे में। फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइन किया था रोमेन फिलिपिटियो को। ISL 9 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने रोमेन फिलिपिटियो को साइन किया था। और इस बार भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने रोमेन फिलिपिटियो को फिर से रिटेन किया था। पिछले सीजन में भी रोमेन फिलिपिटियो का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा थी और इस बार भी नो डाउट रोमेन फिलिपिटियो का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का गुड साइनिंग। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया था ब्राजीलियन स्ट्राइकर इप्सन मेलो को। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जॉर्डन गिल के रिप्लेसमेंट पर इप्सन मेलो को साइन किया था, बट इप्सन मेलो के द्वारा इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। दुरान कप में इप्सन मेलो का परफॉर्मेंस इतना खास देखने को नहीं मिला है। दुरान कप में इप्सन मेलो प्लेयर्स के साथ लिंक अप बना नहीं पा रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। इप्सन मेलो को ट्रेनिंग में और ज़्यादा फोकस करना चाहिए और प्लेयर्स के साथ लिंक अप बनाना चाहिए। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया था माइकल जेबाको को। माइकल जेबाको का परफॉर्मेंस बेहतरीन बोल सकते हैं। दुरान कप में माइकल जेबाको का परफॉर्मेंस देख के मजा आ गया। माइकल जेबाको इज ए वेरी गुड प्लेयर और साथ ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। आई होप माइकल जेबाको दुरान कप जैसा ही ISL में भी परफॉर्मेंस दिखाए। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया था स्पेनिश सेकेंड स्ट्राइकर नेस्टर एल्बियास को, बट नेस्टर एल्बियास से जितना एक्सपेक्ट किया था इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। दुरान कप में नेस्टर एल्बियास का परफॉर्मेंस मुझे इतना खास नहीं लगा। दुरान कप में नेस्टर एल्बियास के द्वारा बहुत ही गलतियां देखने को मिला और नेस्टर एल्बियास भी प्लेयर्स के साथ लिंक अप नहीं बना पा रहा है। आई होप नेस्टर एल्बियास से ISL में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया था मोहम्मद अली बेमेमार को। मोहम्मद अली बेमेमार ने वन मैच में ही सारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फ्रेंड्स का इम्प्रेस कर लिया है। दुरान कप में मोहम्मद अली बेमेमार से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। दुरान कप का सेमीफाइनल में रोमेन फिलिपिटियो, मोहम्मद अली बेमेमार और फाल्गुनी सिंह का जोड़ी बेहतरीन देखने को मिला। आई होप मोहम्मद अली बेमेमार से ISL में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया था यासर हामिद को। यासर हामिद एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। यासर ने दुरान कप में डेब्यू नहीं किया लेकिन ISL में जरूर अच्छा करके दिखाएगा। आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय असम, वंदे मातरम।